नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महकमे की जिसको खुद सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी संभाल रहे हैं, उस महकमे की, जी हाँ, मुंबई महानगर पालिका की, जिसके एल वार्ड के अधिकारी ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि पर ग्रहण लगाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही अपेक्षा भी रहेगी कि सूबे के मुख्यमंत्री ध्यान देकर कदम उठाकर मनपा के भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पर नकेल ही नहीं कसेंगे, बल्कि उन पर लगाम लगाकर एक मिसाल पैदा करेंगे। ईमान बेचा, मनपा का कानून बेचा, जमीर बेचा, मुख्यमंत्री का फरमान भी बेच डालना। जी हाँ, हम लिख नहीं रहे बल्कि चरितार्थ होता हुआ दिखा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के कुर्ला एल वार्ड में जहां के कुछ अधिकारी पैसे के आगे अपने जमीर, ईमान, कानून और यहां तक कि मुख्यमंत्री का आदेश भी माखौल उड़ा रहे हैं। मेट्रो के नीचे मॉडर्न होटल के बगल में ये वही ग्राउंड प्लस थ्री की जगह है जहां पे दो परिवार उजड़ गए और दो लोगों की आग लगने से मौत हो गई। यह हार्डवेयर की दुकान में रात में वो दोनों जन सो रहे थे, जिसकी वजह से आग लगी और वो दोनों की अंदर ही मौत हो गई। कहा जाता है कि अंदर शटर में एक स्पेशल लॉक लगाया गया था ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से यह लॉक खुल नहीं पाया और दोनों व्यक्ति जो अंदर सो रहे थे हार्डवेयर में, वो उनकी ये जलने की वजह से जान चली गई। ऐसे में बीएमसी एल वार्ड के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि ऐसे अवैध निर्माण कमर्शियल मुख्य रोड पे कैसे बन जाते हैं और कैसे अवैध तरीके से लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारतें धोखादायक बना लेते हैं कि आग लगने की घटना लगातार होने की वजह से कई लोग मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। कुर्ला एल वार्ड के 164 में फैयाज एलवीएस मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के बाजू में, गोम चाल नाइवल्टी ब्रेकरी के बाजू में, अपोजिट कल्लू मटन वाला विनोबा भावे नगर में जुबैर ओपन प्लाट पर अवैध निर्माण कर रहा है। केबीएम कंपाउंड अपोजिट रेनबो इंटरनेशनल, अशोक नगर, मिलिट्री रोड, मरूर, रूपा नगर, कपाड़िया नगर, कुर्ला, हरिहंस मित्तल, एस नमकीन, साई वाला सोसाइटी, निकट साई बाबा मंदिर से जे एम एम रोड, असलपा विलेज, खाट को प्रवेश, लाल बहादुर शास्त्री रोड अपोजिट सहारा होटल, फ्रेंड्स कॉलोनी, हलाऊ पुल, कुर्ला वार्ड 159 में एम बी के कंपाउंड, कचरा गली नियर संगम होटल, खैरानी रोड, साकी नाका, वार्ड 158 मेट्रो लाइन के नीचे पेनिसुला होटल के बगल में अवैध निर्माण, बही हाल दीप प्लाजा, मगन नाथूराम रोड, बाड़िया कॉलोनी, साकिनाका आदि आदि जगह पर अवैध निर्माण करने और कराने की होड़ लगी है। मुंबई में इतिहास रचा जा रहा है अवैध निर्माण कार्य कराने का। कुर्ला एल वार्ड में वार्ड के सहायक आयुक्त शिकायतों को अनदेखा कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कानून टूट रहा है, कानून तोड़वाया जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है और सब कुछ इस सरकार में हो रहा है जिसके पास नगर निकाय की जिम्मेदारी है। भ्रष्ट अधिकारी भयमुक्त हो चुके हैं, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। कुर्ला एल वार्ड का ऐसा कोई जर्रा नहीं जहां पर अवैध निर्माण कार्य की गाथा ना लिखी जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कुर्ला एल वार्ड के हो रहे अवैध निर्माण कार्य को देखकर आप भी लगा सकते हैं। जी हाँ, जीता जागता सबूत है ये अवैध निर्माण कार्य की तस्वीर है। गोम्स चाल नावल्टी ब्रेकरी के बाजू में चाल नंबर 1 रूम अपोजिट कल्लू मटन वाला विनोबा भावे नगर कुर्ला पश्चिम मुंबई 17 में जुबैर ने पूरा मार्केट बनाकर
खड़ा कर दिया है। इसमें 20 काले बनाकर भी तैयार कर दिए हैं। मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एलबार्ट की इमारत कारखाना विभाग के अधिकारी की मिलीभगत के चलते ठेकेदार ये सब कर रहे हैं। जिस तरह से लोहे के एंगलों पर के घर और कमर्शियल गाने बनाए जा रहे हैं, वह देखने के बाद आश्चर्य नहीं होता बल्कि हैरानी भी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मनपा के अधिकारी कर्मचारियों पर शिकायत का कोई फर्क नहीं है। और होगी कैसे जब मुख्यमंत्री के आदेश को ही मनपा एल वार्ड के अधिकारी कर्मचारी पैसा कमाने के चक्कर में धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। ऐसा लगता है इनके लिए मुख्यमंत्री का फरमान कोई मायने नहीं रखता और जिसके चलते कुर्ला एल वार्ड के इलाके में अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है। कभी भी हादसे दावत दे सकते हैं और हादसे होते भी हैं। अवैध निर्माण को लेकर मनपा के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी लिप्त हैं। इसमें कोई शक नहीं। यदि ऐसा नहीं होता, शिकायतें अधिकारियों के पास जाती हैं। अधिकारी इस पर ध्यान देते तो निश्चित ही अवैध निर्माण कार्य पर अंकुश लगता। मनपा के अधिकारी बंदर बांट करके नाजायज को जायज बनाने के चक्कर में लगे हैं। सरकार भी सुध नहीं ले रही, जबकि नगर विकास मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास है। गगनचुंबी इमारत संकेत दे रही है कि भ्रष्टाचार इस सरकार में भी उसी तरह ऊपर उठता जा रहा है। सरकार आए या जाए, लेकिन भ्रष्टाचार की मीनार इस मीनार की तरह ही ऊंची होती जाती है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो बस पैसे से कानून को तोड़कर अपने घर की तिजोरी भरने से मतलब है। न जाने कितने अवैध निर्माण कुर्ला एल वार्ड की गलियों में हर रोज हो रहे हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखावे की कार्रवाई करके इस शिकायतों को बंद कर देते हैं। गौरतलब, जब सरकार बनी तो समझा जा रहा था कि सहायक आयुक्त सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे, लेकिन अल्प समय में ही उनके तेवर से पता लग गया कि बावी पुरानी सरकार के इशारे के ढर्रे पर ही अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे। और जिसका परिणाम यह है कि कुर्ला एल वार्ड में अवैध निर्माण की गगनचुंबी इमारतें खड़ी होने लगी हैं। एक मंजिला से लेकर पांच पांच मंजिला तक हजारों एकड़ हजारों वर्ग फीट में व्यावसायिक आवासीय निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ठेकेदार मनपा के अधिकारी मिलकर जिस तरह से कानून का खेला कर रहे हैं, उसे मनपा कानून का आम जनता की नजर में वास्तव में मेला सा लग गया है, मेला हो गया है। कुर्ला एल वार्ड में हर दिन होते अवैध निर्माण इस बात का प्रतीक है कि भ्रष्टाचार की सीमाएं पर अंकुश नहीं है, बल्कि दिन रात बढ़ता जा रहा है। हर क्षेत्र में अवैध बांधकाम देखे जा सकते हैं, जिन पर किसी तरह की रोक नहीं है। अलग अलग जगहों पर व्यवसायिक आवासीय अवैध निर्माण काम तेजी से चल रहे हैं। लोहे के एंगल के ऊपर बनने वाले मौत के घर मनपा की बिना अनुमति के बनाए जा रहे हैं। लोहे के एंगलों के ऊपर बनने वाले अवैध निर्माण कार्यों से कभी भी धोखादायी दुखदायी घटनाएं घटित होती भी है और संभावना भी बनी रहती है, लेकिन समय चक्र के चलते ये सब घटनाएं भूल कर बीएमसी अधिकारी कर्मचारी आगे बढ़ जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार की गंगा बहती रहती है। चाहे कोई गिरफ्तारी हो या चाहे कोई शिकायत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन भ्रष्ट अधिकारियों पर वर्तमान परिवेश में कई कॉन्ट्रेक्टर अवैध निर्माण कार्य करने में लगे हैं। रहवासी इस बात से परेशान है, यदि उनको कोई निर्माण कार्य करना होता है तो बीएमसी के अधिकारी कानून का हवाला देकर उनको मरम्मत भी नहीं करने देते, लेकिन जब एक कॉन्ट्रेक्टर कार्य करता है तो एक मंजिल से लेकर चार चार मंजिल तक निर्माण कार्य कर लेते हैं, जिसके लिए कोई कानून लागू नहीं होता। आम लोगों में बीएमसी के अधिकारी कर्मचारियों को लेकर काफी नाराजगी भी है, हैरानी भी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुर्ला एल वार्ड में कानून की कैसे धज्जियां इन ठेकेदारों द्वारा उड़ाई जा रही है और कैसे मुख्यमंत्री के आदेश और फरमान की नाफरमानी की जा रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री संज्ञान लेकर इन पर कोई कदम उठाते भी हैं या नहीं,
और उठाते हैं तो कब तक, ये सवाल समय के गर्भ में छुपा हुआ है। बहरहाल लेती हमारी छोटी सी पेशकश, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देकर कदम उठाएंगे। हम फिर मिलेंगे नए सफर के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही विनती, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।